हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों देश सदियों से एक दूसरे का दुश्मन है और रिसेंटली इन दोनों में कुछ ऐसा हुआ था कि इन दोनों कंट्री जंग के लिए अब खुद को रेडी कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों में एक खतरनाक जंग शुरू होने वाला है। ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर रॉकेट फायर कर रहे हैं जिसकी वजह से मासूम लोगों की भी जान जा रही है और बहुत सारे निर्दोष लोग यानी कि वहाँ पर छोटे बच्चे भी मर रहे हैं। ये जो कन्फ्लिक्ट है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसकी वजह से हमारा दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा इजराइल को सपोर्ट करता है तो दूसरा हिस्सा पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। हमारे देश भारत में भी ऐसा हुआ है, हमारा देश भी दो हिस्सों में बट गई है, कोई इजराइल को सपोर्ट करता है तो कोई पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। तो क्या हुआ था टोटल हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप एक मैप को देख ले, इस मैप को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इजराइल और पैलेस्टाइन का लोकेशन कहाँ पे है और इन दोनों पे झड़प होने का रियल रीजन क्या है। मैप को हम अगर कंसेंट्रेटली देखें तो हमको पता चलेगा मैप में इजराइल का लोकेशन हम ढूंढ सकते हैं लेकिन पैलेस्टाइन का लोकेशन हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि पैलेस्टाइन छोटे छोटे टुकड़े में है। ठीक है, सबसे ऊपर जो हाईलाइटेड एरिया है वो हाईलाइटेड एरिया को हम वेस्ट बैंक बोलते हैं और हम नीचे चले गए, नीचे एक छोटा सा स्ट्रिप है ग्रीन कलर का, उसे हम गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। और जो गाजा स्ट्रिप है इसमें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन राज करता है जिसका नाम है हमास। ये एक इंपॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ अभी झड़प हो रहा है इजराइल सेना का। ठीक है, तो हम चलते हैं वेस्ट बैंक की तरफ। तो वेस्ट बैंक में जो ग्रीन कलर का हिस्सा है वहां पे नॉर्मल पैलेस्टाइन सिटीजन रहते हैं, लेकिन वो जो डार्क कलर का हिस्सा है वहां पे पैलेस्टाइन गवर्नमेंट राज करती है और बाकी का रह गया पिंक कलर का हिस्सा। वो जो पिंक कलर का हिस्सा है वो अभी कंट्रोल में है इजरायली मिलिट्री के। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो बीच में एक छोटा सा एरिया आपको नजर आएगा जिसे हम जेरूसलम बोलते हैं। तो जो जेरूसलम प्लेस है ये एक धार्मिक प्लेस है जहाँ पे तीन रिलीजन के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन, ज्यूस और मुस्लिम। ठीक है, तो ये जो जेरूसलम है इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में। जो वेस्ट जेरूसलम है जिसमें मेजोरिटी है इजराइल लोग, यानी कि यहाँ को कंट्रोल करते हैं इजराइल गवर्नमेंट, यहाँ पे बहुत सारे इजराइल लोग रहते हैं। लेकिन जो ईस्ट वाला हिस्सा हो गया जेरूसलम का, यहाँ पे बहुत सारा पैलेस्टाइन के लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पे मेजोरिटी पैलेस्टाइन का है। तो इसी जो लैंड जमीन है इसका ओनरशिप को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, इजराइल और ये पैलेस्टाइन। तो जो मैप का नीचे वाला हिस्सा जो ग्रीन कलर का स्ट्रिप है ना, इसे हम गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, जहां पर राज करता है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है हमास। तो हमास क्या करता है, कॉन्स्टेंटली इजराइल के ऊपर अटैक करता है, बार बार वो इजराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्च करता है। लेकिन क्या हुआ, जो इजराइल है तो छोटा सा कंट्री लेकिन इसका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसके पास एक पर्टिकुलर बेस्ट डिफेंस ऑप्शन है जिसका नाम है आयरन डोम। तो आयरन डोम क्या करता है, ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो भी मिसाइल हमास छोड़ता है वो नीचे आने से पहले ही हवा में भी ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इजराइल बचता आ रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ तकनीकी खराब के कारण कुछ मिसाइल एंटर करते हैं तभी इजराइल का कुछ ना कुछ नुकसान होता है। ठीक है, तो इन दोनों में ये जो झड़प है बहुत साल से चला आ रहा है। हम डिस्कस करेंगे इन सब कंफ्लिक्ट का मेन वजह क्या था। हम बोल सकते हैं शेख जर्रा इशू इन सब का मेन वजह था। तो क्या है शेख जर्रा, शेख जर्रा एक छोटा सा नेबरहुड एरिया है, छोटा सा रीजन है, प्लेस है, कहाँ पे है, ईस्ट जेरूसलम में है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैलेस्टाइन लोग रहते हैं और जो वेस्ट जर्मनी है वहां पे ज्यादा से ज्यादा इजराइल के लोग रहते हैं। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि कुछ पैलेस्टाइन फैमिली को शेख जर्रा से हटा दिया जाएगा या फिर रिप्लेस किया जाएगा, किससे, कुछ इजराइल फैमिली से। तो यहाँ पे हुआ क्या, कोर्ट का ऑर्डर मान के वो जो पैलेस्टाइन के लोग थे, कुछ फैमिली थे, वो शेख जर्रा से हट गए और वहां पे आके रहने लगे कौन, वो जो इजराइल के लोग थे, जिसके वजह से पैलेस्टाइन लोगों में, पैलेस्टाइन सिटीजन में बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, लेकिन ये जो स्ट्राइक उन्होंने किया ये सब पीसफुल स्ट्राइक था, वहां पे कोई भी वायलेंस नहीं हुआ था। लेकिन आग में घी डालने का काम किया कौन, इजराइल के कुछ लीडर थे, स्पेशली राइट विंग लीडर्स, ये सब ने क्या किया, हेटफुल स्पीच देना शुरू कर दिया। वो बोले कि ये जो एरिया है ये हमारा है, हम यहाँ पे राज करेंगे और हम तुम सबको, यानी कि जितने भी पैलेस्टाइन है, हम तुम सबको हटा देंगे, जिसके वजह से जो पीसफुल स्ट्राइक था ना वो वायलेंस स्ट्राइक में कन्वर्ट हो गया। एक दूसरे पर वो पत्थर मारने लगे और मजबूर में पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा और लाठीचार्ज हुआ और बहुत सारे पैलेस्टाइन सिटीजन इंजर्ड होना शुरू हो गए। इवेंट हुआ, इसको हम टाइमलाइन के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, 7 मई, 7 मई के जो पीसफुल स्ट्राइक था ये वायलेंट होना शुरू हो गया, लोग ने एक दूसरे पर पत्थर मारना शुरू कर दिए और बहुत लोग एंजल भी, फाइनली पुलिस ने इंटरफेयर किया और कंट्रोल कर लिया। फिर 10 मई को पुलिस वहां पे, एक बहुत बड़ा मस्जिद था वहां पे दाखिल हुए और जो मस्जिद में लोग प्रेयर कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन पर लाठीचार्ज किया, उन पर टीयर गैस छाड़े, रबर बुलेट भी छाड़े और स्टन ग्रेनेड भी छाड़े, जिसके वजह से बहुत लोग इंजर्ड हुए वहां पे।
ठीक है। और पुलिस का कहना था कि वहां पे जो लोग प्रयार कर रहे थे उनके पास बहुत सारे पत्थर थे और उनके पास ग्रेनेड थे, वो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिला था पुलिस को, इसलिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस वहां पे आया। जब ये सब हुआ, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सीधा वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के पास, वो इनिशिएटिव लिया, वो डायरेक्ट एक अल्टीमेटम छोड़ दिया। उसने बोला, किसको बोला, उसने इजराइल को बोला कि अगर इसी वक्त तुमने अपने आर्मी वो मस्जिद से नहीं हटाया तो हम तुम पर अटैक करना शुरू कर देंगे। तो हमास वो अल्टीमेटम देने के एक घंटे के बाद ही अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपना गाजा स्ट्रिप अपनी बेस से इजराइल की तरफ बहुत सारे रॉकेट लॉन्च करता है और बहुत सारे रॉकेट को जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम होता है ना आयरन डम, वो तो तबाह कर देता है, लेकिन कुछ जाकर हिट करता है इजराइल को, ठीक है। वो फिर वो भी रिटेलिएट करना शुरू कर देता है, वो अपनी एयर फोर्स के जरिए एयर स्ट्राइक करता है किसके ऊपर, पैलेस्टाइन के ऊपर, जिसके वजह से बहुत सारे पैलेस्टाइन लोगों की डेथ होती है। तो यहाँ पे इजराइल का बोलना था कि हमने नॉर्मल पैलेस्टाइन सिटीजन को नहीं मारा, हमने आतंकवादियों को मारा, जो भी मरे वो टेररिस्ट थे। यहाँ पे पैलेस्टाइन के लोग बोलते नहीं, जो मरे वो नॉर्मल सिटीजन थे। तो ये दोनों कंट्री एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो अगर कैजुअल्टी की बात करें तो बहुत साइड की थोड़ी बहुत कैजुअल्टी हुए हैं। स्पेशली इजराइल 130 से ज्यादा एयर स्ट्राइक करता है पैलेस्टाइन के ऊपर, जिसके वजह से उसका 40 सिटीजन मारे गए, ठीक है। और अभी इजराइल का बोलना था कि जो भी सिटीजन मरे वो कोई सिटीजन नहीं थे, वो टेररिस्ट थे, लेकिन पैलेस्टाइन बोलता है जो 40 लोग से ज्यादा मारे गए वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि वो हमारे नॉर्मल निर्दोष सिटीजन थे। और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन के अटैक से 3 सिटीजन की डेथ हुई इजराइल में, उनमें से एक इंडियन लेडी थी जो कि केयर टेकर की काम कर रही थी। ये दोनों देश एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं और खुद को जस्टिफाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसराइल बोलता है कि हमने उन पर एयर स्ट्राइक किया क्योंकि हमास ने हमारे ऊपर मिसाइल डाले, और हमास बोलता है कि हमने उन पर मिसाइल इसलिए डाला क्योंकि इसने हमारे मस्जिद में घुसे। और जब मस्जिद में पत्थरबाज बैठ रहे थे ना, वो बोलते हैं कि हमने इन पर पत्थर इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने हमारी जमीन हमसे छीन ली। फिर इसराइल वापस बोलता है कि ये जमीन हमारा है, ठीक है। तो इन दोनों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, और ये जो झड़प है ना, ये झगड़ा, ये कन्फ्लिक्ट, ये आज का नहीं, ये 100 साल पहला है, तब से ये शुरू होता आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इन सब में हम एक बात भूल गए थे, वायलेंस की रेस्पॉन्स में वायलेंस और उसकी रेस्पॉन्स में और ज्यादा वायलेंस, मुझे नहीं लगता ये कोई सोल्यूशन है। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, an eye for the eye is not the solution which will make the whole world blind।